व्यूवर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि आईएएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। आइए जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में वैश्विक नेताओं ने विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन में पोलियो उन्मूलन के लिए $2.54 बिलियन दान करने की प्रतिबद्धता जताई है। चलिए अब जानते हैं विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 के बारे में। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन है। इसका आयोजन 16 से 18 अक्टूबर 2022 तक जर्मनी के बर्लिन में किया गया। इसे 2009 में स्थापित किया गया था और तब से ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ये पहली बार है जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसकी सह मेजबानी की है। इसका फोकस महामारी संधि, पोलियो उन्मूलन, डिजिटल स्वास्थ्य और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज रहे। इस सम्मेलन का उद्देश्य स्वास्थ्य चुनौतियों के लिए अभिनव समाधानों को प्रोत्साहित करना, वैश्विक स्वास्थ्य को एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दे के रूप में स्थान देना और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप वैश्विक स्वास्थ्य वार्तालाप को बढ़ावा देना है। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल ग्लोबल पोलियो उन्मूलन पहल संक्षिप्त में GPEI को $1.2 बिलियन देने का वादा किया। आइए अब जानते हैं कि वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल यानी GPEI क्या है। GPEI का नेतृत्व 6 प्रमुख भागीदारों के साथ राष्ट्रीय सरकारें करती हैं। ये हैं रोटरी इंटरनेशनल, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी UNICEF, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और गावी वैक्सीन अलायंस। अब बात करते हैं पोलियो वायरस की। तो ये सिर्फ 2 देशों में स्थानिक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। हालांकि 2021 में सिर्फ 6 मामले दर्ज होने के बाद इस साल अब तक 29 मामले दर्ज किए गए हैं। आइए अब नजर डालते हैं भारत में पोलियो के मामलों पर। 3 साल के 0 मामलों के बाद जनवरी 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। भारत में इसका उन्मूलन एक सफल पल्स पोलियो अभियान का परिणाम था। देश में वाइल्ड पोलियो वायरस का आखिरी मामला 2011 में सामने आया था। इसके बाद WHO ने 2012 में भारत को सक्रिय स्थानिक वाइल्ड पोलियो वायरस संचरण वाले देशों की सूची से हटा दिया। भारत ने 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया था। 1988 में विश्व स्वास्थ्य सभा यानी WHO द्वारा पोलियो उन्मूलन की वैश्विक पहल के लिए एक प्रस्ताव को अपनाया गया था। 2014 से सरकार ने भारत और पोलियो प्रभावित देशों के बीच यात्रा करने वालों के लिए ओरल पोलियो टीकाकरण यानी OPV अनिवार्य कर दिया है। इसमें अफगानिस्तान, नाइजीरिया, पाकिस्तान, इथियोपिया, केन्या, सोमालिया, सीरिया और कैमरून शामिल हैं। चलिए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन यानी WHS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, इसे 2009 में स्थापित किया गया था और तब से ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। और कथन दो, 2022 में पहली बार विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक स्वास्थ्य सम्मेलन की सह मेजबानी की है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कथन सही है या सही है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।